वेरी गुड। Wait a minute, I'll just check. So do you have any doubt from this effect of catalyst? Sir, your voice is lagging. Can you repeat? Okay, Arpit, do you have any doubts from the previous class? No, sir, it's there. Okay. Now see, I'm going to take a new topic, that is effect of catalyst. So what is the effect of catalyst? See, basically a catalyst increases or decreases the rate of reaction. So I'm going to write a catalyst is a substance which increase the rate of reaction. It increase the rate of reaction without undergoing any permanent chemical change. Any permanent chemical change that is called catalyst. Itself, you are going to write any permanent chemical change itself. There is no change in it permanently. Now, if you have 2KClO3 and if it is without catalyst, it will take more time to react, or it will take more time to give product. But if you are going to add MnO2, which will act as आपका वो क्या होता है कि ये catalyst है, ठीक है, तो ये क्या कर देगा आपका कि rate of reaction जो है वो increase कर देगा, rate of reaction increase कर देगा. तो यहाँ पे क्या करेगा, ये बहुत ही जल्दी product दे देगा आपको, और ये किसमें convert हो जाएगा, 2KCl+3O2 में. Actual में होता क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होने का मतलब ये होता है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, एक्टिवेशन एनर्जी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है, वो डिक्रीज कर देता है. एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, जिसके वजह से रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाएगी. ठीक है, आप देख सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी का एक ग्राफ मैंने लास्ट क्लास में आपको दिखाया था. ठीक है, ये वाला है एक्टिवेशन एनर्जी, ये दिख रहा है आपको अर्पित? यस सर. तो यहाँ पे जैसे आपने कैटलिस्ट डाला तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो जरा सा हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में जल्दी चेंज हो जाएगा. तो इजिली ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. समझ में आई बात? हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगा. जैसे आपने लास्ट क्लास में देखा था कि यहाँ पे अपने पास जो है इस तरीके से, ठीक है, तो ये वाला जो डिफरेंस था यही एक्टिवेशन एनर्जी था. तो कोई भी रिएक्टेंट यहाँ से कहाँ जाता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक जाता है, उसके बाद रिएक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है. तो अगर ये वाला एनर्जी गैप काफी कम हो जाए तो जल्दी से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने के बाद प्रोडक्ट बन जाएगा कि नहीं? Yes, तो ये कहा जा रहा है. तो देखिए यहाँ पे अगर एक ग्राफ बनाया जा रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा पहले कि ये आपका एक रिएक्शन कोऑर्डिनेट आपका जो है
एक्स एक्सिस पे है और इधर है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो जो ग्राफ होगा आपके पास, अगर विदाउट कैटलिस्ट देखे तो ये ग्राफ इस तरीके से होगा, ये विदाउट कैटलिस्ट है, और विद कैटलिस्ट अगर देखे तो ये जो विद कैटलिस्ट है तो देखिए कितना जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो इसमें अगर लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं विदाउट कैटलिस्ट, और ये देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, विद कैटलिस्ट, ठीक है। तो विद कैटलिस्ट में आप देख सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया कि नहीं एज कंपेयर टू विदाउट कैटलिस्ट, तो ये हो गया। अच्छा, दूसरी बात कि आपने लास्ट क्लास में टेस्ट वगैरह तो नहीं दिया था ना, उससे पहले वाले क्लास में दिया था लास्ट क्लास में। ठीक है ठीक है। सर यस सर, हम ऑर्गेनिक को स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के बाद, बोलिएगा तो स्टार्ट कर देंगे। आपके यहाँ हो रहा है ऑर्गेनिक? स्कूल में हो रहा है सर, और सर डिफिकल्ट लग रहा है सर बहुत ज्यादा। हेलो अलकेन। हाँ सर, ठीक, हम भी स्टार्ट कर देंगे। पहले अब ये कंप्लीट कर लें, देन वी विल स्टार्ट दैट। ये कंप्लीट ही हो गया ऑलमोस्ट, आज बस आज कंप्लीट हो जाएगा ये। ये चैप्टर तो छोटा है। हाँ डन। चलो अब देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, जैसे कि अभी हमने इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट देख लिया। वेट अ मिनट, अब हम प्रॉपर ओरिएंटेशन वगैरह देखेंगे क्या क्या है। कैटलिस्ट जो होता है, आई एम गोइंग टू राइट अ पॉइंट, a catalyst does not alter Gibbs free energy, does not alter Gibbs free energy, it doesn't affect delta g, catalyst doesn't affect delta g, whether the value of delta g is equal to 0, greater than 0 or less than 0, it doesn't affect delta g. Please write this and then write a topic, that is collision theory of frequency, collision theory of chemical reaction. So what is basically collision theory of frequency? It's collision theory of chemical reaction. Wait a minute.
Narpit, sorry, it was a call from coaching. तो यहाँ देखिए collision theory. Am I audible, Arpit? थोड़ी आवाज में ब्लो आ रही है. Arpit, am I audible now? Yes sir, ठीक है. तो यहाँ देखिए collision theory of chemical reaction की जब बात करते हैं तो basically जब reaction होता है तो molecules एक दूसरे से collide होते हैं तो उसी को collision theory of chemical reaction उसी type से होता है. जैसे हम देख सकते हैं the number of collision per second per unit volume, the number of collision per second per unit volume of a reaction mixture is known as collision theory. So basically per second per unit volume में जितने भी collision होते हैं उसी को कहते हैं हम लोग collision theory. और किसके बीच में होगा, जाहिर सी बात है reaction mixture के बीच में होगा, तो उसे क्या कहते हैं अपन लोग collision theory कहते हैं. ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपके पास A plus B है तो ये reactant ही एक दूसरे से collide करेंगे और यहाँ बन रहा है product. A plus B will give product. तो यहाँ पे जो रेट होगा अकॉर्डिंग टू collision थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन ये हो जाएगा आपका Z AB, ये प्रोडक्ट के लिए होता है, कॉन्स्टेंट होता है, अभी देखेंगे, e raised to the power minus EA upon RT. जहां पे आपके पास Z AB जो है वो होता है It is collision frequency of reactants A and B. उसके बाद e raised to the power minus EA upon RT की जब बात होती है तो ये होता है is the fraction of molecules with energies equal to or greater than E. तो ये आपके वो होते हैं जिनका जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होता है जिसका एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो या फिर ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी. तो ये लिख लीजिएगा जरा. ये हो जाए तो बताइएगा फिर. हाँ,
हाँ, कॉलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि जो भी रिएक्टेंट होते हैं एक दूसरे से कोलाइड होंगे पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को कॉलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और उसके हिसाब से एक रेट आता है जेड एबी ई रेस टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी, और ये जो होता है टर्म वो होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैव एनर्जी इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, यस नाउ सी वी हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। सो आई एम गोइंग टू बेसिकली फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू अकर देयर मस्ट बी अ प्रॉपर ओरिएंटेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसके बारे में एक पॉइंट लिख देते हैं फिर मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ लिख सकते हैं द प्रॉपर ओरिएंटेशन of reactant molecules leads to bond formation whereas improper orientation whereas improper orientation makes them bounce back and no products are formed so basically if we have reactant like bromomethane and OH minus reaction, there will be two probability, there will be two options to carry this reaction, and one is improper and another is proper orientation. See, I am taking first improper orientation. If this bond will break, just suppose this bond will break, it will be negative and this will attack on this carbon, there will be negative repulsion, and you can see here when this Br will take electron from carbon, it will be Br negative and beside Br negative there is OH minus, uske just bagal mein OH minus hai, to in dono ke beech mein repulsion hoga, to ise bahar nahi nikalne dega aur na hi Br minus ise andar jaane dega। बात समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, बाउंस बैक कर जाएगा। जबकि अगर हम लोग बी आर का पोजीशन चेंज कर देते हैं, जैसे मान लीजिए बी आर हम इस साइड कर देते हैं और ये एच और ये एच हो गया, तो ये इजिली अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा और ओ एच माइनस जो है वो बैक अटैक कर देगा सीधे इसमें, और यहाँ पे अपने पास रिएक्शन होके यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ पे ओ एच आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे और बी आर माइनस जो है ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अपने ये चैप्टर पढ़ा हेलो एल्केन्स में SN1 SN2। हाँ सर, ठीक पढ़ा था। ये जो SN2 होता है ना उसमें बैक अटैक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नेगेटिव बन के निकलेगा तो इसको रोकने के लिए कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर ये नेगेटिव फर्स्ट केस में निकलेगा तो ये दोनों एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे, हो जाएगा प्रॉपर ओरिएंटेशन, और ऊपर वाला क्या है इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्लीज राइट इट।
Very good. Now you can see to occur or to happen a reaction, to carry a reaction, the first point is to have a proper orientation. And the second point is a steric factor. If there is less steric hindrance, the reaction can easily occur. But if the steric hindrance increases, the reaction cannot occur easily. Are you aware of steric hindrance? No, sir. Steric hindrance, that means bulky group. Like if you have to, this is Br minus and there is bulky group like C2H5 and there is benzene, or like here it is NO2. So on a small atom, there are bulky groups. So this is called steric hindrance. And if some new bonds are going to be formed and broken the old angles, old bonds, it won't be easy because there will be steric hindrance. Okay. Already crowd hai wahan pe kaafi jyada. To uske liye hamare paas ek equation aata hai. Rate is equal to P into ZAB or E raised to the power aa jayega minus EA upon RT. Minus EA upon RT. Ab yahan pe dekh lijiye ye jo P है ना, ये P ही होता है आपका स्टेरिक फैक्टर और यहाँ पे आपके पास A प्लस B से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक पॉइंट लिख देता हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है. टू अकाउंट फॉर इफेक्टिव कॉलिजन, जितना अच्छे से कॉलिजन होगा उतना ही अच्छा प्रोडक्ट बनेगा. इफेक्टिव कॉलिजन, another factor P called the probability or a steric factor is introduced after proper orientation. This another factor is introduced for effective collision. So I'm going to write another point. In a collision, molecule must be properly oriented. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं से भी रख के रिएक्शन करा दिया. इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन में होगा तो बाउंस बैक हो जाएगा. ठीक है, let me know when you are done with this. And write a note. सर, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन के लिए रिजल्ट है. क्या बोला आपने? मैं पूछ रहा हूँ कि ये वाला जो फॉर्मूला आपने लिखा है सर, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन के लिए रिजल्ट है. हाँ, स्टैटिक फैक्टर के लिए.
Please write it and then I'll explain. Let me know when you are done with this. Very good. Now see, this chapter is officially completed, so we should practice some questions. Wait a minute. Very steric for black people, the question is steric. Oh, us types nahi aayega, like न्यूमेरिकल आ जाएगा, इस पे न्यूमेरिकल नहीं है। अपने लास्ट क्लास पिछले वीक हुई थी ना, जैसे क्या बोल रहे हो? अपनी लास्ट क्लास पिछले वीक हुई थी। Yes, sir. Sir, last class to cancel over, you know. Actually, I was traveling. Yes, sir. Is screen visible? Yes, sir. Okay. So I'm going to give some questions to you. I'm going to take the question, you are going to solve it, okay?
ओके सर। क्वेश्चन नंबर 18। Can you do it? Yes, sir. ठीक, I'm waiting. लाइट नहीं होने की वजह से मैंने कैमरा ऑफ कर दिया। Okay, sir. आंसर बता सकते हैं क्योंकि आप ही हैं बस मीटिंग में। There is no one else. Sir. Yes. इस टाइप के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। पहले यहाँ शुरू करिए 23। ओके सर। एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं आप? असाइनमेंट इन एनसीईआरटी? यस सर। यस सर।
Can you do it or you do you have any doubt in this? Just let me know. I'll explain no, it. Sir. Okay. Thank you. A and B both. नहीं सर सर 23 का A और 24 का B. अच्छा अच्छा 23 का A और 24 very good. ये तो बहुत आसान हो जाएगा for a reaction A and B the order no. Please do this 25-26. सर 25th का डी आया है और सर सॉरी बी बी 25th का क्या आया नहीं सर 26th का है बी 512 टाइम वेरी गुड एंड 25th का सर इसका 32 आया है सर 25th का 32 डी यस है ना वेरी गुड वेरी गुड 27, 28, 29 करिए
सर 27 का है सर, डी डी, और सर 28 का ए है। सर आप ऑडियो 27 का आंसर सर डी डी डी, वेरी गुड। 28 का सर ए, वेरी गुड। और 29 सर करना है। ओके राइट, सर ये ओके। तो ये भी काफी आसान है अगर आप देखेंगे तो। यहाँ पे अपने पास क्या है अर्पित, कि ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन
2a plus b will give c plus d following the following results were obtained. ये दे रखा है फर्स्ट ए पर लीटर और ये दोनों के दोनों रिएक्टेंट है और इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है इतना. अपने को बेस्ड ऑन द अबव डाटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो रेट रेट का फॉर्मूला लगा के देख लीजिए कि ए इतना मोल पर लीटर है और बी इतना हो जाएगा, तो आंसर मेरे हिसाब से तो ये हो जाएगा. आपने क्या निकाला है? मुझे ऐसे टेबुलर क्वेश्चन सर समझ ही नहीं आ रहा था सर. देखिए यहाँ पे देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. यहाँ पे देखिए अर्पित, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ए और बी पहले वाले में सेम है, yes, है ना. अब यहाँ yes. पे सेकंड और थर्ड में देखिए जरा, ये दोनों सेम है, ए ए सेम है कि नहीं? yes, sir, yes. लेकिन बी ट्वाइस हो जा रहा है. yes, sir. हो रहा है कि नहीं? ये कॉन्स्टेंट है और बी क्या हो गया? ट्वाइस हो गया. ठीक है, तो मतलब बी का पावर टू तो आएगा और ए का पावर क्या जाएगा? इतना ही रहेगा. और फर्स्ट और फोर्थ में देखेंगे ना तो इसको फोर टाइम्स बढ़ा रहा है और ये दोनों क्या है? कॉन्स्टेंट है. तो इसके हिसाब से अपन लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर ए को कॉन्स्टेंट रखा हमने तो बी जो है वो ट्वाइस हो रहा है. ठीक है, और अगर बी ट्वाइस हो रहा है तो ये सेकंड ऑर्डर बन रहा है. ठीक है, इसके अलावा अगर बी को ए को कांस्टेंट रखा हमने 3-3 तो बी क्या हुआ? डबल हुआ. और ए को चेंज किया तो बी क्या हो गया? 0.1 से 0.4 किया यानी बढ़ा दिया. तो ये तो सेम ही है. तो यहाँ पे एक मिनट रुक जाइए, इसका पूरा सॉल्यूशन ही लिख देता हूँ मैं किस तरीके से करेंगे. सेकेंड एंड थर्ड में अगर देखिएगा आप, ठीक है, तो ए को अगर कांस्टेंट रखा हमने तो बी जो है वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा. हो जाएगा कि नहीं? यस सर, बी डबल हो जाएगा. बी डबल हो रहा है तो यहाँ पे देखेंगे अगर बी डबल हो गया, सेकेंड और थर्ड की बात कर रहे हैं, तो ये 0.3 और ये 0.3, तो ये 0.2 से सीधे डबल हो गया. ठीक है, 0.4 और ये 7.2 से 2.88. ठीक है, अब अगर दूसरा देखें तो अगर ये डबल हो गया इसका मतलब बी वाला जो है वो सेकंड ऑर्डर है कि नहीं? विद रिस्पेक्ट टू बी सेकंड ऑर्डर हो जाएगा अगर डबल हो रहा है तो? हो जाएगा. अब यहाँ पे देखिए, अगर बी को कांस्टेंट रख रहे हैं, अगर बी को यहाँ पे कांस्टेंट रख दिया तो ए जो है वो फोर टाइम्स हो जा रहा है. अगर ये फोर टाइम्स होगा तो जो रेट कांस्टेंट है, रेट जो है वो भी फोर टाइम्स इंक्रीज करेगा कि नहीं? यस सर. तो ये दोनों फोर टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ए जो होगा वो फर्स्ट ऑर्डर होगा. क्या हो जाएगा? वो फर्स्ट ऑर्डर होगा क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा. तो इसलिए ए का पावर 1 और बी का पावर 2 आया है. सिंपल है. यस सर. इस टाइप के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में बहुत सारे मिलेंगे जिसको आपको प्रैक्टिस करना चाहिए. मैंने बोल दिया एनसीईआरटी आप प्रैक्टिस करिए, वहां से जो भी डाउट हो वो करिए. 30-31 करिए जरा.
सर नीचे ऑप्शंस दिखाना सर, 31st को सर 30th का तो सर बी आया है, 30th का बी ये यस सर, वेरी गुड। 31st का सर कर रहा हूँ सर, क्या अच्छा कर रहे हैं, ठीक है ठीक सर कर रहा हूँ, ओके ओके थैंक यू। इसके बाद हम लोग कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे, हेलो एल्केन एंड हेलो अरेंज, राइट? यस सर। तो नेक्स्ट क्लास में आप प्रिपेयर रहिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, हेलो एल्केन एंड हेलो अरेंज, या फिर अभी आज ये स्टार्ट करेंगे सर, आज थोड़े बेसिक्स बता दो सर ऑर्गेनिक के। ठीक है, तो ये लास्ट एक सवाल करिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। यस सर। Let me know when you are done with the that question. Yes, so 1 second. Yes, one second. वेरी गुड। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर अ न्यू पेज एंड गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर, हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेंज, ओके सर। Now see, what is halo alkenes? So you have already aware of halo. Halo comes from a term that is halogen. And halogen is basically 17th group in which there are elements like circle, bahar, I, anti, fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine, and alkane is basically hydrocarbons part. So we represent haloalkanes as RX. X is for fluorine, chlorine, bromine, and iodine. R is alkyl group. So this is the name of chapter, haloalkanes, or the IUPAC name is haloalkanes. And if you go for common name, its common name will be alkyl halide. So what is haloalkane? Halo is for X and alkane is for basically alkyl group. And the second name of the chapter is haloalkanes and haloarenes. So see, here it is haloarenes. Now we have already know what is halo, that is halogen, fluorine, chlorine, bromine, and iodine. We took only these four. Astatine is radioactive element, so we don't study about it here. Now, when we talk about arenes is basically benzene. And you know, when a benzene is connected with X, or X is connected or attached to X, that is called haloarenes. Is that clear? Sir, X is halogen, right? Yes, X is halogen and arenes is benzene. So yes, sir. We call it haloarenes in IUPAC term. We call it IUPAC haloarenes. But in common name, we call it
aryl halides. Aryl halides. Aryl halides. This is common. Okay. Aryl is for benzene and halide, you know, halogen. Yes. Okay. Yes. So please write it and then let me know. I'm going to. First of all, before classification, I would like to do some. I would like to give some questions on nomenclature of this. वेरी गुड. अच्छा ये बताइए अर्पित, आपको नोमेनक्लेचर आता है? अच्छे से नहीं आता मुझे सर. 10th में स्टार्ट होता है सर, हमें तब डिलीट हो गया था सर, और थोड़ा सर थोड़ा बहुत आता है सर. यहाँ पे वैसे भी फंक्शनल ग्रुप नहीं होते, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो वगैरह यूज करते हैं. ठीक है, तो देखते हैं कितना आपको पता है और कितना नहीं. अच्छा, आर यू कम्फर्टेबल इन बी एस एफ like this bond line structural formula? Are you comfortable? No sir, you don't know. This is BSF. BSF is basically, आपने देखा होगा ना कि भाई सीधा सीधा ऐसे कर दिया, मैंने बना दिया. ठीक है, ये साइक्लोपेंटेन होता है. अब साइक्लोपेंटेन को अगर फॉर्मूला टाइप में लिखना हो तो आपको बहुत सारा ये करना पड़ेगा, CH2. ठीक है, फिर यहाँ पे CH2, फिर यहाँ CH2. वेट अ मिनट. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये CH2, फिर यहाँ CH2, फिर यहाँ CH2, फिर यहाँ CH2 और फिर यहाँ CH2. समझ रहे हैं? तो इसको ये बनाना कितना आसान है. ये दोनों सेम ही चीज है, कार्बन और हाइड्रोजन को शो नहीं करते, और जहां भी वर्टेक्स होता है और इनिशियल पॉइंट होता है वहां कार्बन होता है. अदर देन कार्बन हाइड्रोजन हम लोग शो करते हैं. बात समझ में आ रही है? यस सर. तो बहुत आसान है ये वैसे. अब चलिए, मैं आपने बता दिया तो मैं आपको बस बहुत ही इजी दूंगा, लिख के ही दूंगा. CH3 CHCl CH3. दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड CH3 CH2 CH, CH3 CH2 CH Br CH3. Then I'm going to give you. ये बेंजीन वाला देखिए, अगर मान लीजिए बेंजीन अगर आपको लिखना होता ना उसके टर्म में तो काफी वो होता, मतलब कॉम्प्लिकेटेड. देखिए CH फिर CH फिर CH फिर इधर CH फिर इधर CH फिर इधर CH, ऐसे. अब फिर यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड. अब इसको मैं डायरेक्ट सीधे ऐसे ऐसे किया, कितना आसान हो जाता है. बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से क्या हो जाता है ना, काफी आसान हो जाता है चीजें. समझ रहे हो? यस सर. चलिए नेम लिखिए जरा.
Arpit, can you do this? या मैं बताऊं आपको? अरे देखिए, सबसे पहले क्या करना होता है ना आपको, सबसे पहले हम नाम लिखते हैं ब्रांच के। ब्रांच के बाद हम लोग देखते हैं पेरेंट चेन को, पेरेंट चेन की कितने कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जरा कितना कार्बन है, 1, 2, 3। वन टू थ्री कार्बन, और ये आपका ब्रांच हो गया। तो इसके बाद मेजर काम जो होता है ना, वो काउंटिंग का आता है। ठीक है, नंबरिंग करने का आता है। ठीक है, नंबरिंग करने का। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, और इधर से भी करेंगे तो 1, 2, 3। बेसिकली नंबरिंग जो होता है ना, वो ब्रांच को देख के करते हैं कि किधर से नजदीक आ जाएगा, किधर से जल्दी आ जाएगा ब्रांच। ठीक है, तो दोनों साइड से सेम है तो कहीं से भी कर सकते हैं। उसके बाद ये देख लीजिए, ये ब्रांच है। ठीक है, तो हम इसका नाम पहले लिखेंगे, 2 लिखेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि 2 नंबर के कार्बन पे, 2 क्लोरो। ठीक है, पोजीशन पता चल जाएगा ब्रांच का, बेसिकली 2 क्लोरो, और ब्रांच खत्म। इसके बाद कोई ब्रांच नहीं है, तो हम पेरेंट चेन में आएंगे। पेरेंट चेन में कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, तो इसको क्या लिखेंगे, प्रोप। और देखेंगे सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, 2-क्लोरोप्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। समझ में आई बात? यस सर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात करते हैं कि इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, और इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं। एक तो पहली बात कि नंबरिंग उधर से करिए जिधर से ज्यादा नंबर कार्बन आए। अगर आप यहाँ से करते 1, 2, 3, 4, 5 ही आता, 1, 2, 3, 4 ही आता। ठीक है, अगर यहाँ से शुरू करते तो बीच से, तो हम उधर से करते हैं नंबरिंग जिधर से ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आए, और किधर से, दो तरफ से आपको सेम नंबर ऑफ कार्बन आ रहा है, 6 और 6 आ रहा है कि नहीं? और फिर यस सर, अब ये बताइए कि करेंगे किधर से, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, क्या लगता है? पहले को राइट, मैंने कुछ राइट टू लेफ्ट करेंगे, क्यों राइट टू लेफ्ट? क्योंकि सर उधर वी आर फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस है। हाँ, जल्दी आ जा रहा, फंक्शनल ग्रुप ये नहीं है, ब्रांच है। ठीक है, जल्दी आ जाएगा ब्रांच। ठीक है, तो यहाँ पे अब नेमिंग जब करते हैं ना, तो सबसे पहले ब्रांच को लिखते हैं, और ब्रांच भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए। तो ब्रोमो का बी पहले आएगा मिथाइल के एम से। यस सर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2-ब्रोमो, उसके बाद क्या आ जाएगा, 4-मिथाइल, और उसके बाद क्या आएगा, हेक्स और एन। हेक्सेन हो जाएगा कि नहीं? यस सर, सो इजी। अब देखिए यहाँ पे एक साइक्लिक है जिसको हम लोग बेंजीन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, बेंजीन कहते हैं। बस तो नंबरिंग दे दीजिए, ये ब्रांच हो गया, तो एक नंबर पे क्या आ रहा है, ब्रोमो, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 1-ब्रोमो, और नीचे वाला बेंजीन कहलाता है, तो 1-ब्रोमो बेंजीन, या फिर सीधे सीधे लिख देंगे हम लोग ब्रोमो बेंजीन। समझ में आई बात? यस, वेरी गुड। स्लाइड चेंज करो ना, लिख लीजिए पहले आप, हो जाए तो बताइए। चलिए अब मैं कुछ अलग सवाल दूं आपको, सेम इसको नॉमेनक्लेचर को जितना जल्दी हो सके निपटा लीजिए अच्छे से। इन दोनों का नॉमेनक्लेचर करिए। सर फर्स्ट
फर्स्ट का तो 3-फ्लोरो-4-मिथाइल-पेंटेन है। फर्स्ट वाले का नाम क्या होगा? 3-फ्लोरो-4-मिथाइल-पेंटेन। 3-फ्लोरो-4-मिथाइल गलत हो गया। ठीक, आपने इधर से नंबरिंग किया 1, 2, 3, 4, 5 और इधर से नंबरिंग करते तो 1, 2, 3, 4, 5 3 पे तो फ्लोरीन मिल ही रहा था, साथ में एक और सब्स्टिट्यूएंट मिल जा रहा था पहले ही दूसरे नंबर पे, लेकिन इधर से किया आपने तो 3 पे फ्लोरीन मिला और 4 पे मिथाइल मिला। बात समझ रहे हैं? जल्दी नहीं मिला, ऐसे नंबरिंग करते हैं कि हमें सब्स्टिट्यूएंट जल्दी मिल जाए कम नंबर पे। बात समझ रहे हैं? सर एफ तो पहले आता है ना सर, एफ तो पहले आता है, ठीक है, लेकिन एक बात बताइए कि अगर आप इस रास्ते से जा रहे हैं 1, 2, 3 नंबर पे मिल रहा है और ये 4th नंबर पे मिल रहा है, अगर इधर से कर रहे हैं तो भी 3rd नंबर पे फ्लोरीन मिल रहा है और उसके साथ मिथाइल भी मिल जा रहा है, yes. है कि नहीं? Yes, sir. तो सारे फैक्टर देखते हुए करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3-फ्लोरो-2-मिथाइल पेंट 1N तो पेंटेन हो जाए। दूसरा वाला क्या बोला आपने? दूसरा वाला थर्ड बता रहा था, क्लोरोबेंजीन। वेरी गुड, 1 क्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन। सर ये जो ये हाफ स्ट्रक्चर बनाया सर आपने, सर ये मतलब ये बेंजीन रिंग है या फिर क्या है? क्या क्या कौन सा, ये वाला? सर ये जो नहीं सर, जो सेकंड नंबर पे और थर्ड और फोर्थ पे बनाया। नहीं, ये बेंजीन रिंग थोड़ी है, ये है बेसिकली, देखिए अब मैं ये समझ जाइए, क्योंकि जो क्वेश्चन बनाना होगा ना या सॉल्व करना होगा तो इसमें आसानी से हो जाता। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बन है कि नहीं? जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो कार्बन होता है और वर्टेक्स होता है वो भी कार्बन होता है, देखते जाइएगा। फिर एक ये वर्टेक्स हो गया, ये भी एक कार्बन हो गया, और फिर एंड पॉइंट हो गया, ये भी एक कार्बन हो गया। यहां तक समझ में आया? टोटल कार्बन कितना है ये समझ में आया कि नहीं? अब इस कार्बन से एक फ्लोरीन जुड़ा है तो उस फ्लोरीन को मैंने दिखा दिया, और इस कार्बन से एक ब्रोमीन जुड़ा है, उस कार्बन को भी मैंने ब्रोमीन को दिखा दिया। और कुछ इसमें दिख रहा है एक्स्ट्रा? बस एक डंडा खींचा हुआ है, फ्लोरीन ब्रोमीन के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। तो हर जगह हाइड्रोजन होगा, हर जगह क्या होगा? अब देख लीजिए, ये कार्बन एक ही बॉन्ड बना रहा है, इसको बनाना चाहिए 4 बॉन्ड, तो 3 हाइड्रोजन इसके पास होगा। ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, इसको 4 बॉन्ड बनाना चाहिए, इसके पास 1 हाइड्रोजन होगा। इन द सेम वे इसके पास 1 हाइड्रोजन होगा, इन द सेम वे इसके पास 3 हाइड्रोजन होगा। ये दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है सर। आगे समझ, अब आगे ठीक है, तो जरा नेमिंग करिए। सर इसका होगा 2-ब्रोमो-3-फ्लोरो। वेरी गुड, देखिए अब यहाँ पे देखिए, आपने इधर से नंबरिंग किया, इधर से भी कर सकते हैं, yes. लेकिन इधर से किया आपने, दैट्स गुड, क्योंकि दोनों साइड से सेम पोजीशन पे आ रहा था, क्योंकि यहाँ से करते ब्रोमो 2 पे आता, 3 पे फ्लोरो आता, इधर करते फ्लोरो पे आता और 3 पे ब्रोमो आता, लेकिन इधर से इसलिए सही होगा जब सेम पोजीशन पे आ रहा हो आपका सब्स्टिट्यूएंट तो उसको प्रेफरेंस देंगे जिसका अल्फाबेटिकली कम हो नंबर, ठीक है, अल्फाबेटिकली जो कम लेस हो, जैसे बी पहले आता है तो ये वाला सही है, अगर आपने इधर से कर दिया होता तो गलत हो जाता। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सर आगे सुन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा,
2-bromo-3-fluoro और उसके बाद ब्यूटेन, ये कर लीजिए जरा। सर जैसे जब हाँ, अब यहाँ देखिए इधर से नंबरिंग कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 इधर से भी कर सकते हैं, सेम ही आएगा। हाँ, आएगा कि नहीं? अब यहाँ पे देखिए ये मिथाइल ग्रुप होगा CH3, ये भी CH3 होगा, ये भी CH3, सारे के सारे तीनों के तीनों सेम है। तो हम पोजीशन पहले लिखेंगे 2, 3, 4 ट्राई मिथाइल और कितने नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन में है? 5। तो पेंट एन, समझ में आई बात? चलिए ये फोर्थ वाला करिए जरा, उसके बाद एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन देखता हूँ। सर इसमें हम डाइब्रोमो यूज करेंगे? यस यस, जब मोर देन टू हो तो डाइब्रोमो तो यूज करना ही होगा। कहीं से भी नंबरिंग कर लीजिए, इस बात तो सेम ही है। यहाँ लिखेंगे 2, 4 डाइब्रोमो पेंटेन, हो गया। चलिए जरा अब ये देख लीजिए जरा, अगर मान लीजिए आपको मैंने दे दिया Cl और ये हो गया CH3। अगर मान लीजिए मैंने आपको ऐसा दे दिया Cl और यहाँ आ गया ब्रोमीन। अगर मान लीजिए मैंने आपको ऐसा कुछ दे दिया Br, please do this. जो फाइव वाला स्ट्रक्चर होता है तो साइक्लो हेक्सेन, और इधर वाला 5 है तो साइक्लो पेंटेन।